सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम के धरने से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, किसी पर इंसाफ की जिम्मेदारी हो तो हर फरीक को एक जैसी तवज्जो देनी चाहिए। अदालत की कदर व मंजिलत बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तारीखी इज्तमा ने बता दिया कि फैसला अवाम को करना है। फजल रहमान ने कहा कि पंजाब और के पी असम्बलियाँ ना तोड़ी जाती तो आज बहरान ना होता। खिताब के बाद मौलाना फजल रहमान ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। आप और आपके रफका जिन मुअज्जज कुर्सियों पे बैठे हैं, उन मुअज्जज कुर्सियों पर बैठकर न तुम्हें पार्लियामेंट की तस्लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें अवाम की तस्लील की इजाजत दी जा सकती है, न तुम्हें किसी सियासतदान की तस्लील की इजाजत दी जा सकती है। अगर आप हमारी तस्लील करेंगे तो फिर तुम्हारे हथौड़े से हमारा हथौड़ा बहुत मजबूत साबित होगा।